नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंस टेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय और स्वागत है आप सभी का कमटेसिया एडिटिंग ट्यूटोरियल के भाग दो में। तो दोस्तों, इस भाग में हम लोग सीखेंगे कि कमटेसिया से हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे और स्क्रीन रिकॉर्डिंग से रिलेटेड सभी सेटिंग्स के बारे में, ऑडियो सेटिंग्स के बारे में और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते समय हमें किन किन सावधानियों की जरूरत होती है, इन सभी पर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप की एक से टेक्निकल और एजुकेशनल वीडियो मैं लेकर के आता रहता हूं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम सबसे पहले कमटेसिया को ओपन करते हैं और यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं न्यू प्रोजेक्ट और न्यू रिकॉर्डिंग के लिए। तो अगर आपको एडिटिंग भी कमटेसिया में ही करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप न्यू प्रोजेक्ट पे जाया करें। अगर आपको एडिटिंग किसी और सॉफ्टवेयर में करना है तो आप न्यू रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम चलते हैं न्यू प्रोजेक्ट पर। चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं कमटेसिया 9 पर, तो आप लोग कमटेसिया 9 ही डाउनलोड करके इंस्टॉल करें, क्योंकि कमटेसिया 8, कमटेसिया 9 इस सभी वर्जन में थोड़ा ज्यादा ही डिफरेंसेस आ जाते हैं, जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। आप जब भी इंस्टॉल करें तो कमटेसिया 9 इंस्टॉल करें तो ये वीडियो से बिल्कुल मैच करेगा, लेकिन अगर 8 में मैच कराएंगे तो काफी सारी कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो सकती हैं। तो यहां से आप रिकॉर्डिंग के लिए, आप यहां पर देख सकते हैं रिकॉर्डिंग पर क्लिक करें और ये प्रोसेस होने के बाद रिकॉर्डिंग के लिए ये रेडी होगा। अब ये जो है रिकॉर्डिंग के लिए रेडी हो गया। अब यहां से जो है इस पैनल में कुछ सेटिंग्स है, वो सेटिंग्स आपको जरूरी है करना, लेकिन इस सेटिंग से पहले मैं बताना चाहूंगा कि बेस्ट ऑडियो के लिए कुछ लैपटॉप में ऑलरेडी आपको सेटिंग्स करनी होगी, वो आप कर लें ताकि आपकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो बेस्ट आ सके। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, आप यहां पर नीचे टास्क बार में देखेंगे ये स्पीकर आइकॉन पर राइट क्लिक करें और यहां से आप रिकॉर्डिंग डिवाइस में जाएं, और यहां पर हो सकता है कि आपके लैपटॉप या पीसी सिस्टम में कई सारे आइकॉन दिखाई दें। तो अगर आप अलग से एक्स्ट्रा माइक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने माइक में बोल करके, जैसे हम यहाँ पर इस तरीके से हम इसको स्क्रैच कर रहे हैं तो इसमें दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो माइक है वो कौन सा है। तो उसको आप बाय डिफॉल्ट पे यहाँ राइट क्लिक करके बाय डिफॉल्ट पे कर दें, और बाकी जो है जितने भी डिवाइसेस हैं, अगर सिंगल है तो बाय डिफॉल्ट पे ही रहेगा, दो तीन यहाँ पर नजर अगर आ रहे हैं तो बाकी के डिवाइस को आप जो है यहाँ से डिसेबल पर क्लिक करके डिसेबल कर दें, ताकि आपको बार बार कन्फ्यूजन ना हो। कई बार क्या होता है कि अगर सभी डिवाइसेस यहाँ पर एक्टिव है, मान लीजिए लैपटॉप का माइक एक्टिव है और आपका एयरफोन का एक्टिव है, तो सारा का सारा यहाँ पर दिखाई देता रहता है। तो कई बार क्या होता है, आपने माइक लगाया और यहाँ से शिफ्ट होना छोड़ दिया, शिफ्ट नहीं हुआ, तो आप सोचेंगे कि आपके माइक से रिकॉर्ड हो रहा है और वो आपके लैपटॉप से रिकॉर्ड हो सकता है। तो अगर लैपटॉप के माइक से अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा कि जो लैपटॉप का फैन है उसकी सरसराहट की आवाज उसके अंदर आती रहती है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए जो भी माइक इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग से माइक अगर आप लगा रखे हैं जैसे कि मैं यूज करता हूं, तो आप हमेशा उसी माइक को यहाँ पर एक्टिवेट करके रखें, बाकी को डीएक्टिवेट कर दें, डिसेबल कर दें, वो दिखाई नहीं देगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पर कम्युनिकेशन में आकर के यहाँ पर रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ अदर साउंड्स बाय 50%, तो आप यह 50% कर सकते हैं। अगर नॉइसेस वगैरह है तो नॉइस को ये रिड्यूस करेगा, तो 50% पे कर सकते हैं, 80% पे कर सकते हैं। लेकिन अगर 80% पे करते हैं तो अगर आपकी कुछ धीमी धीमी जो बीट्स की अगर आवाज़ रहेगी तो वो भी कटेगा, थोड़ा सा आवाज़ खराब होने लग जाती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा नॉइस है तो आप 80% पे कर सकते हैं, वैसे 50% बेस्ट होता है। तो इस पे करने के बाद आप इस पर क्लिक करना जरूरी है ताकि रिड्यूस भी होता रहे कोई अगर नॉइस वगैरह है तो। उसके बाद जो है आप इस पर डबल क्लिक करके यहां से लेवल को मेंटेन करें। यह हेडसेट माइक है और ये जो है बूस्ट है, तो ये एक्चुअली ये सभी माइक के कंडेंसर इंपीडेंस पे डिपेंड करता है कि उसका इंपीडेंस क्या है। तो हर एक माइक का अलग अलग इंपीडेंस होता है और लैपटॉप का अलग अलग सेटिंग्स होती है, अलग अलग विंडो का अलग अलग इंपीडेंस होता है, अलग अलग सेटिंग्स होती है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन से पॉइंट पर आपकी रिकॉर्डिंग, आपकी ऑडियो बेस्ट आ रही है। ये एक बार आपको समय देना है इसके लिए, बार बार रिकॉर्डिंग करके और अपने ऑडियो को चेक करना है। जब एक बार आपके लैपटॉप में सेट हो जाएगा तो आप
हमेशा के लिए आप उसी पैमाने का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैंने बूस्ट में रख रखा है +20, तो ये हमारी आवाज आप लोग सुनते ही होंगे, तो मैं इस आवाज को बेस्ट समझता हूँ, तो इसीलिए मेरी सेटिंग यही है। और बाकी ये जो वॉल्यूम है आप यहाँ से भी घटा बढ़ा सकते हैं, कमटेसिया से भी, यहाँ पर से भी अगर घटाएंगे बढ़ाएंगे तो वहीं से घटेगा बढ़ेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा कम करके रखता हूँ ताकि कोई भी अगर बाहर की आवाज़ है तो उसको ये ना कैच करे। बाकी इस पर हमारी सेटिंग सही है। तो ये दो सेटिंग्स करनी होती है ऑडियो के लिए, पहले लैपटॉप का सेट होना जरूरी है, तब जा करके हम कोई भी सेटिंग करेंगे अपने कमटेसिया के अंदर। लैपटॉप सही होगा तो समझ लीजिए कि 90% आपका ऑडियो बेस्ट रिकॉर्ड होगा। तो ये तो रहा ऑडियो। अब उसके बाद आते हैं कमटेसिया में हम क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आप कौन सा माइक इस्तेमाल करेंगे वो चीज़ें यहाँ पर आपको नजर आएंगी। तो जैसे कि हमने सारे माइक को हमने डीएक्टिवेट कर रखा है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही माइक दिखाई दे रहा है जिससे कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आप वहाँ पर डिसेबल नहीं किए रहेंगे तो यहाँ पर वो सारे माइक आपको यहाँ पर भी दिखाई देंगे। तो फिर यहाँ पर आपको बार बार सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन से माइक से जो है आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, तो ये बार बार कन्फ्यूजन होगा। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वहां से जब आप डिसेबल कर देंगे तो यहाँ पर सिंगल माइक ही दिखाई देगा ताकि आपको बार बार कन्फ्यूजन नहीं हो। तो एक ये सेटिंग कर लेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ से आपको अगर लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपको कैमरा सेट करना होता है। यहाँ पर जैसे कि मैंने लॉजिटेक HD वेबकैम C270 लगा रखा है, इसी से मैं अपने आप को रिकॉर्ड करता हूँ। तो यहाँ पर अगर ये है तो ये सेलेक्ट करेंगे, ये जो है HP का जो हमारे लैपटॉप के अंदर जो कैमरा है वो दिखा रहा है। अगर इस पर आप सेलेक्ट कर देंगे तो HP का कैमरा सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन चूंकि वो उससे सही नहीं आता इसलिए हमने अलग से कैमरा लगा रखा है। एक्स्ट्रा वेबकैम जो लगा रखे है वो उसको अगर आप निकाल देते हैं तो सिर्फ सिंगल ही आपका कैमरा यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लेकर के जाएंगे तो आपका कम्प्लीटली व्यू यहाँ पर दिखाई देगा इस रूप में, ताकि आप यहाँ पर माउस को रख करके और कैमरे को एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं कि कहाँ पर आपका जो है एरिया सही आ रहा है। तो सिर्फ ये एडजस्ट करने के लिए एक तरह का प्रीव्यू दिखाता है। इसको सेट करने के बाद जो है अगर फुल स्क्रीन करना है तो फुल स्क्रीन पर क्लिक कर देंगे, और इसके जो बाकी सेटिंग्स है उसको बाय डिफॉल्ट रहने दें। क्या जरूरी सेटिंग्स है उसको मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर जो और सेटिंग्स है उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाद में हम लास्ट में उस पर भी डिस्कस करेंगे कि किससे क्या होता है। जैसे कैप्चर पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर जैसे रिकॉर्ड ऑडियो कर देंगे तो ऑडियो रिकॉर्ड होगा, और रिकॉर्ड वेबकैम अगर नहीं चाहिए तो यहां से आप क्लिक कर देंगे तो वेबकैम रिकॉर्ड होना बंद हो जाएगा। तो सिर्फ आप जो है स्क्रीन रिकॉर्ड करेंगे और अपना ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन चूंकि मैं वेबकैम को साथ में लेकर के चल रहा हूं तो इसीलिए ऑडियो और वेबकैम दोनों को ही ऑन करके रखा हुआ है। उसके बाद आते हैं इफेक्ट पर। यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार की कोई सेटिंग की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको जानना है तो हम लास्ट में इस पर बात करेंगे कि क्या क्या क्रिटिकल सेटिंग्स इसके अंदर है और क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स इसके अंदर है। फिलहाल हम बेसिक की बात कर लेते हैं। आगे हम जाएंगे टूल्स पर। टूल्स पर जो है हम यहाँ पर ऑप्शन पे जाएंगे जिसके अंदर कुछ सेटिंग्स की हमें जरूरत पड़ती है। यहाँ पर जनरल में जो है हमें सब कुछ बाय डिफॉल्ट रहने देंगे, कुछ भी सेटिंग्स करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज यहाँ पर सेटिंग करने की जरूरत पड़ सकती है कि अगर आप कमटेसिया 9 को सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एडिटिंग किसी और में जाकर के करना है, तो आप यहाँ पर इसको इसके फॉर्मेट को चेंज करना होगा। यहाँ से .avi पर आपको क्लिक करना होगा, .avi सेलेक्ट करना होगा, तब जाकर के AVI फाइल जो आपकी आउटपुट होगी वो किसी भी एडिटर में आप लेकर के जा सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पर हमें कमटेसिया के अंदर ही हमें एडिट करना है, इसलिए हम TREC ट्रैक पर ही रहने देंगे और इसी पर हम रिकॉर्ड को करेंगे। अगर आप इस पर नहीं रखते हैं तो AVI पर भी आप कमटेसिया में रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम क्या होगा कि आप जो अपने आप को रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइव रिकॉर्डिंग जो कर रहे हैं, वो उसके अंदर अलग अलग आप सेटिंग नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको जो है आप लाइव रिकॉर्डिंग जो स्क्रीन है जो अपने आप को रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको इधर उधर खिसकाना है, कभी जूम करना है, कभी छोटा करना है, ये सारी सुविधाएं अगर आप चाह रहे हैं तो उसके लिए आप ट्रैक फॉर्मेट में ही आपको रखना होगा। बाकी उसके बाद जो ये टैंप है इसको बाय डिफॉल्ट रहने दें, उसकी ज़रूरत नहीं है। और इनपुट में जो है ये माइक वगैरह दिखाता है, ये बाय डिफॉल्ट ही रहने दें, इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको। अगर बाय इलेक्शंस कैमरा आपको सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो मैंने पहले बताया। तो इसमें कुछ भी चेंजिंग करने की ज़रूरत आपको नहीं है। उसके बाद जो है हॉट की, ये होता है शॉर्ट की जो आप बार बार इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए प्ले पुश के लिए। तो हमारे लिए जो सुविधा होता है अल्टर के साथ ए,
तो उसकी वजह से मैं फटाफट जो है रिकॉर्डिंग पुश कर पाता हूँ इजिली। तो इसलिए मैं अल्टर ए अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग रखा हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपकी सुविधा के हिसाब से कुछ और है तो आप बना सकते हैं। चाहते हैं यहाँ पर कि कंट्रोल और अल्टर के साथ ए, तो ये दोनों पर ट्रिक मार रखेंगे। अगर इन तीनों को चाहते हैं तो तीनों पर रखेंगे। तो इनमें से जिसके साथ जो की चाहिए वो की आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अल्टर के साथ ए नहीं चाहिए, कोई और चाहिए, तो आप यहां से क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं कि अल्टर के साथ कोई और चाहिए, यानी शॉर्टकट की आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके साथ आप कौन सा अल्फाबेटिकल की आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप यहां से यूज कर सकते हैं कोई भी। तो चूंकि हमें अल्टर के साथ ए चाहिए तो हमने यही रहने दिया। बाकी इस टैब के लिए मैंने अल्टर के साथ एस इस्तेमाल किया हुआ है। आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको सुविधा लगे। तो ये सेटिंग्स क्या काफ़ी ज़रूरी होती है। और बाकी मार्कर और स्क्रीन ड्रॉ के लिए भी आप कंट्रोल शिफ्ट डी है, जो स्क्रीन पर कोई भी चीज़ ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए है। लेकिन अगर कमटेसिया में एडिट करना चाहते हैं तो रिकॉर्डिंग के समय ड्रॉ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एडिटिंग के समय काफ़ी सुविधा होती है, एडिटिंग के समय हम उसको करेंगे, क्योंकि एडिटिंग के समय ही अपने हिसाब से हम जूम कर पाते हैं और जहां पर ज़रूरत होती है जितने एरिए को हम सेलेक्ट करके दिखा पाते हैं। तो इसलिए हम एडिटिंग जो है कमटेसिया में ही करेंगे। तो इसलिए हम यहां का मार्कर और स्क्रीन ड्रॉ को इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं। उसके बाद प्रोग्राम में है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही सारा कुछ रहने दें, इसमें कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इन सभी चीज़ों के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, अभी हम काम कर लेते हैं सीधा। तो ये सारी सेटिंग्स करने के बाद जो है ओके पर क्लिक करेंगे। और चूंकि अभी हमारा जो है आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डिंग से रिकॉर्डिंग चल रही है तो उसका शॉर्टकट की इससे मैच कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर भी शॉर्टकट की हमने यही इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसलिए हम ओके नहीं करेंगे, यहाँ पर हम कैंसिल करेंगे। क्योंकि अगर मैंने इसी से रिकॉर्डिंग करते हुए अगर मैं इसका ट्यूटोरियल बनाता तो ये सारे ऑप्शन हमें नजर नहीं आते, इसके टूल्स ऑप्शन वगैरह ओपन नहीं होता, तो इसीलिए ऐसा करना पड़ा है। तो अब हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड के लिए जो है हम रिकॉर्ड पर प्रेस कर देंगे और यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम आ रही है, हम ओके प्रेस कर देंगे तो रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी, क्योंकि ये जो है जो उसका शॉर्टकट की है वो मैच कर रहा था। तो अब ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, आप जो भी कुछ रिकॉर्डिंग करना चाह रहे होंगे वो जो है रिकॉर्डिंग चालू हो गई है कमटेसिया के अंदर। इस तरीके से रिकॉर्डिंग चल रही है अभी। आप इसके अंदर रिकॉर्डिंग के समय कोई जूम वगैरह करने की जरूरत नहीं है, वो मैं बताऊंगा, बहुत ही इजिली एडिटिंग में जाकर के हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कर्सर हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। अगर आप कमटेसिया में एडिट करते हैं तो सारी सुविधाएं आपको जाकर के कमटेसिया एडिटिंग के टाइम में मिल जाता है। तो ये जो भी मैंने बोला वो रिकॉर्डिंग हो चुका है, अब हम इसको स्टॉप करते हैं। तो स्टॉप करने के लिए आप यहां से जो है आप दोबारा इसको ओपन भी कर सकते हैं और यहां से आप स्टॉप पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर आप यहां से इसको ओपन करना नहीं चाहते हैं चूंकि वीडियो में आ जाएगी तो आप इसका शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टॉप के लिए शॉर्टकट की मैंने बनाया था वो अल्टर एस बनाया था, अल्टर एस प्रेस करते ही ये स्टॉप हो गया। और स्टॉप होने के बाद जस्ट आप देख सकते हैं वो वीडियो टाइमलाइन के अंदर ऑटोमेटिक आ गई है। तो ये तो चूंकि रिकॉर्डिंग के बाद ऑटोमेटिक टाइमलाइन के अंदर आ जाएगा और स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा सब कुछ, और वो वीडियो फाइल जो है यहाँ पर मीडिया में आपको दिखाने लगता है, यानी ये यही चीज यहाँ पर आई हुई है टाइमलाइन के अंदर। तो ये तो चूंकि डायरेक्ट वहां से आ गया उसी से हमने रिकॉर्ड किया, लेकिन बाकी फाइलें अगर किसी और से रिकॉर्ड किया हुआ या कोई MP3 या कोई MP4 अगर आप इसके अंदर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो सारा कुछ भी इंपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन अभी हम इसी के बारे में समझ लेते हैं। तो यहां पर जैसे अगर आप यहां से इसको प्ले करेंगे तो ये प्ले होगा, और यहां से अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो यहां से बड़ा हो जाएगा, और कहां से बड़ा छोटा हो सकता है ये सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे, वन बाय वन करके समझेंगे। आप यहां से प्ले करेंगे तो ये प्ले होगा। इसके भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज वगैरह हैं जो एडिटिंग में इस्तेमाल होने वाले हैं, उसको एडिटिंग के टाइम में बताऊंगा। अब यहां पर आने के बाद और क्या क्या चीज आपको ध्यान रखना है, अगर आपके वीडियो में नॉइस आया हुआ है या आप ऐसे प्लेस पर हैं जहां पर नॉइस ज्यादा आता है या फिर ऑडियो आपकी कम, ये ऑडियो लेंथ होती है, अगर ये ऑडियो कम आ रही है तो इसके लिए आपको यहां पर कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे ये ऑडियो इफेक्ट पे जाएंगे तो यहां पर नॉइस रिमूवल है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉल्यूम लेवलिंग है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लेवल काफ़ी बेस्ट है, इसके अंदर हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके रिकॉर्डिंग के बाद यहाँ पर लेवल काफ़ी कम आ रहा है तो आप इसका लेवल बढ़ा सकते हैं। लेवल बढ़ाने का मतलब यह है कि आपके रिकॉर्डिंग में ऑडियो स्लो आ रही है, ऑडियो काफ़ी कम आ रही है, ऑडियो काफ़ी डाउन है, ऑडियो लेवल काफ़ी डाउन है, तो ऑडियो लेवल डाउन रहेगा तो ये जो देख रहे हैं ये काफ़ी नीचे रहेगा। तो इस लेवल को उठाने के लिए आप जो है यहाँ से ऑडियो लेवलिंग का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए आप इसको ड्रैग करके ला करके आप इस ऑडियो में छोड़ देंगे,
तो यहाँ से फिर ये ऐड हो जाता है, यहाँ पर प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी में ये ऐड हो जाता है और यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। अभी ये मीडियम पर है, आप हाई करेंगे तो यहाँ पर हाई हो जाएगा, ऑडियो थोड़ा चेंज हो जाएगा, ऑडियो का लेवल थोड़ा सा हाई हो जाएगा। अगर आप इसको अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं तो कस्टम पे आ जाएंगे और यहाँ से फिर आप इसको अपने हिसाब से हाई लेवल करके सेट करेंगे। एक बार आपको अपने माइक के हिसाब से, अपने लैपटॉप के हिसाब से इसको वायरी करके सेट करना होगा। फिर उसके बाद जो है ये रीडिंग सारी लिख लेंगे ताकि हर बार 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 आपको वही रीडिंग में आपको रिकॉर्ड करना होगा। लेकिन अभी मैंने जो लैपटॉप की सेटिंग बताया है ये सारा कुछ करते हुए आएंगे तो ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अगर वहाँ से हमारा सब कुछ सेट रहता है तो ये सब की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये सब जब सेटिंग करेंगे तो थोड़ा मोड़ा डिस्टर्ब होने का चांसेस रहता है, क्योंकि मैं किसी भी वीडियो के अंदर ये सारे इफेक्ट्स मैं इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन मजबूरी में अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, नॉइस ज्यादा है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नॉइस ज्यादा है तो आप नॉइस रिमूवल को लेकर के ड्रैग करके आकर के इस पर छोड़ देंगे और इसके लिए भी आपको ऑप्शन यहाँ से मिल जाता है। इसको कम ज्यादा करके, यानी कि सेंसिटिविटी इसकी कम ज़्यादा करके आप सेट कर सकते हैं कि कितना पर नॉइस आपकी ख़त्म हो जा रही है, और अमाउंट भी आप इसको सेट कर सकते हैं कि कितना पर आपकी ऑडियो बेस्ट हो जा रही है। और उसके बाद जो होता है ऑडियो इफेक्ट में ही ये फेड इन फेड आउट, ये MP3 जब अलग से हम कोई साउंड लगाते हैं तो उसके अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और उसी के अंदर यह है क्लिप स्पीड, जैसे क्या होता है कि जल्दी से वीडियो फटाफट फास्ट हो, तो उस वक्त हम लोग एक क्लिप स्पीड इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो थी दोस्तों सिर्फ सेटिंग्स और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, हम कैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद हम आकर के यहाँ पर ऑडियो को कैसे सेटिंग करेंगे। तो दोस्तों अभी इस वीडियो में सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग तक ही छोड़ देते हैं, क्योंकि आगे अगर हम स्टेप उठाएंगे तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। बाकी एडिटिंग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, वन बाई वन करके बहुत ही बेहतर तरीके से कमटेसिया में एडिट करने वाले हैं और काफी बेहतर तरीका आपको हम बताएंगे। कमटेसिया एक बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर कम इफेक्ट्स मिलते हैं लेकिन काम के सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं, और ये बहुत ही बेहतर वीडियो रिकॉर्डर के साथ वीडियो एडिटिंग भी है। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज एक कमेंट में हमें बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज ये वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।